नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। लखनऊ से बड़ी खबर है, यूपी युवा कांग्रेस का गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन। महिलाओं के साथ में हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन किया गया है। बलात्कारियों को 90 दिन में फांसी देने की मांग की गई है। सभी जिलों में स्पेशल कोर्ट और हेल्पलाइन बनाने की भी मांग की गई है। महिला उत्पीड़न रोकने के लिए देश में कठोर कानून बनाने की भी मांग की गई है। तो युवा कांग्रेस का हल्ला बोल आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा दें। यूपी युवा कांग्रेस का गांधी प्रतिमा पर यह प्रदर्शन है। तमाम महिलाएं यहां प्रदर्शन कर रही हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाती हुई नजर आई है। बलात्कारियों को 90 दिन में फांसी देने की मांग इन महिलाओं की तरफ से की गई है। युवा कांग्रेस के ये सभी सदस्य हैं। तो भाई, नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ में कांग्रेस कमेटी ने आज नोएडा में विरोध मार्च निकाला है। आपको बता दें, नोएडा सेक्टर 18 से अट्टा चौराहे तक निकले इस मार्च में बिल को संघीय ढांचे के खिलाफ बताया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने केंद्र पर संविधान की मूल अवधारणा के साथ खिलवाड़ करा दिया है। खबर अलीगढ़ से, जहां शराब पीने से दो लोगों की मौत का मामला। शराब से हुई मौत के मामले में बड़ा खुलासा। दबाव में कर दिया था मामले को रफा दफा। आबकारी विभाग के एक बड़े अधिकारी के दबाव में मामले को रफा दफा किया गया था। आगरा के अधिकारी ने जिले के अफसरों पर दबाव बनाया था। मामले की शिकायत लखनऊ पहुंची है और जिसके बाद में अब हड़कंप मचा हुआ नजर आ रहा है। योगेंद्र सिंह अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, ये हरद्वारगंज का आजाद नगर का एक मामला है, जिसमें जो है करीब 5-6 लोगों ने, वहां पर एक बाग पड़ता है आजाद नगर के पास, तो वहां पर बैठकर रात को शराब पी थी। उसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर चले गए। तो जब वो अपने घर पहुंच गए, खाना खाया, खाना खाने के बाद वो दोबारा प्राइमरी स्कूल में चले गए और प्राइमरी स्कूल में जो क्या कहते हैं, रात भर वो अपने घर नहीं आए। सुबह जब उनके परिजनों ने वहां पर देखा, बाली की, तो बताया कि साहब वहां पर शराब की 2 शीशी मिली हैं और वो वहां पर दोनों वहां पर आसपास पड़े हुए मिले थे। एक के सिर में चोट का निशान है और एक के जो कहते उधर पेट की तरफ कुछ चोट का निशान है। तो इस बारे में उन्होंने, कुछ लोगों ने शंका जताई कि शराब जहरीली हो सकती है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने जो कहते तुरंत जो शराब का गांव में ठेका था उसको सील करा दिया और वहां पर आबकारी विभाग को उसकी जांच दी कि आप इस ठेके में जांच करें। और दूसरी चीज, उन शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम में जो भी कुछ निकल आएगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, चलिए योगेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर शामली से, जहां खाकी के खुलेआम गुंडागर्दी। स्कॉर्पियो चालक को खींच खींच कर पीटा गया। किसानों के चक्का जाम में गाड़ी खड़ा करना महंगा पड़ गया। गाड़ी में सवार 4 लोग किसानों के धरने में शामिल होने आए थे। न्यूज वन इंडिया के कैमरे में कैद वर्दी की बर्बरता। किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन चल रहा था, जो 1 बजे शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और उसी के बाद जब यातायात सामान्य रूप से चल रहा था, तो धीमानपुरा फाटक पे एक स्कॉर्पियो खड़ी थी जिसमें 3-4 युवक थे
उनका कहना यही है कि वो उसी धरना प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए थे, और चूंकि गाड़ी सड़क पे खड़ी थी जिससे यातायात अवरुद्ध हो रहा था, तो थाना प्रभारी आदर्श मंडी के द्वारा वो गाड़ी वहाँ से हटवा दी गई थी, और इसी दौरान आपस में कुछ हल्की बहस हुई थी। उसके बाद युवकों को थाने पर ले जाया गया और उनसे अभी पूछताछ की जा रही है। किसान यूनियन का धरना, तो स्कॉर्पियो चालक को खींच खींच कर पीटा है। आप तस्वीरों में पुलिस की बर्बरता देख सकते हैं। किसानों के चक्का जाम में गाड़ी खड़ा करना वहां पर महंगा पड़ गया, जिसकी वजह से युवक को बुरी तरीके से पीटा गया। अमित हमारे साथ सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? बिल्कुल बताना चाहूंगा, मामला पूरा ये यहाँ पर गुरुद्वारा के पास में चक्का जाम किया हुआ था भारतीय किसान यूनियन ने आज, तो उसको लेकर किसानों में उनमें आपस में झड़प हो गई, जिसको लेकर मारपीट पे उतारू हो गए। चलिए अमित, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर प्रयागराज से है, जहां पुलिस ने स्कूल कॉलेजों के सामने अभियान चलाया। स्कूल के गेट के सामने खड़े मनचलों के खिलाफ में अभियान चलाया गया। स्कूल के गेट के सामने खड़े एक मनचले को एंटी रोमियो स्क्वाड ने पकड़ा। एंटी रोमियो स्क्वाड ने मनचले को सबक भी सिखाया। मनचले से कान पकड़कर उठक बैठक भी खुलेआम करवाई गई। राजबहादुर हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। राजबहादुर, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? जैसे कि आपको हम बता दें ना, विद्यालय के सामने चेकिंग लगाई हुई थी। कुछ मनचले विद्यालय के गेट के सामने काफी देर से आ जा रहे थे। एंटी रोमियो ने इनको पूछताछ की। पूछताछ करने पर इनको सबक सिखाया, जो कि आज के बाद विद्यालय के सामने कभी भी समय आना मत है। चलिए अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर बलिया से, जाकर नई गांव में दबंगों ने जला दी झोपड़ी। लाखों के सामान सहित झोपड़ी जलकर खाक हुई। झोपड़ी को जलाकर दबंग फरार हो गए। काफी दिनों से चल रहा था रास्ते का विवाद। झोपड़ी फूके जाने पर गांव में तनाव भरी स्थिति देखी गई है, और विवाद के बाद पीड़ित के दरवाजे पर असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहा। पुलिस को सूचना देने के बाद भी नहीं की गई कोई पहल। सुखपुरा थाना इलाके का यह पूरा मामला है। खबर मेरठ से है, जहां भाकियों के चक्का जाम में फंसी दुल्हन बस से परिवार वालों को साथ जा रही थी। दुल्हन जालौन से मुजफ्फरनगर जा रही थी। दुल्हन जाम से दुल्हन के परिवार वाले परेशान हुए। फंसे होने से शादी का कार्यक्रम भी लेट हुआ। बारह दिसंबर यानी कि शादियों का वो मुहूर्त जो कि निकला हुआ था, और 12 दिसंबर को ये मुहूर्त खत्म हो जाएगा। ऐसे में शादियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन जो भारतीय किसान यूनियन ने दिल्ली देहरादून हाईवे नेशनल 58 को जाम किया है, उसके बाद कई ऐसी बसेस हैं जो बारात की बस है वो इस जाम में फंसी हुई है। तकरीबन 700 किलोमीटर दूर सफर तय करने के बाद जालौन से ये बस चली है और ये मुजफ्फरनगर पहुंचनी, लेकिन जाम की वजह से यहाँ पर अच्छी हुई है और तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है और ये सफर इनका और ज्यादा लंबा हुआ जा रहा है, क्योंकि अगर ये समय से पहुंचते हैं तभी जाकर तमाम तैयारियां पूरी होंगी और
मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि जिनकी शादी है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि कब ये इंतजार खत्म होगा और कब ये मुजफ्फरनगर तक पहुंचेंगी। ये बताइएगा, परेशानी तो पूरी हो रही होगी क्योंकि 700 किलोमीटर चलकर आना और फिर अभी तक अपने जगह तक नहीं पहुंच पा रहे। बिल्कुल हो रही है। कितने बजे चले थे आप लोग जालौन से? हम लोग 8 बजे निकले हुए थे और जब से यहाँ पे 2 घंटे से फंसे हुए हैं। यहाँ ना कोई पानी है, ना खाने का, ना फ्रेश होने का सिस्टम है। बच्चे भी परेशान हो रखे हैं, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं, थके हुए हैं, ना आराम करने को मिल रहा है ना कुछ। और फिर ये भी है कि अगर समय से पहुँचेंगे तैयारियाँ तभी पूरी हो पाएंगी। हम लोगों का मतलब वहाँ पे खाने वाने का भी था, वो भी तो गया है। मतलब यहाँ पे ना रेस्ट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है। और हम लोगों का फंक्शन भी जल्दी स्टार्ट हो रहा था, वो भी नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? पूनम। और आपके हस्बैंड का? अनमोल। तो ये पूनम है जो शादी के साथ बंधनों में बंधनी है मुजफ्फरनगर के अनमोल के साथ। लेकिन वही बात आ रही है कि जाम की वजह से जो देरी हुई है उस देरी के चलते कहीं ना कहीं जो फंक्शन है वो भी लेट होगा और अभी भी जाम काफी लंबा लगा हुआ है। ये बताइए सब, परेशानी कितनी दिक्कतें हो रही है क्योंकि 700 किलोमीटर चलना और थकान हो जाना है। सर पूरी परेशानी है, देख तो रहे आप, 2-2.5 घंटे से फंसा हुआ हूँ मैं। बच्चे भी परेशान है? बच्चे भी बिल्कुल। और कुछ 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 प्रॉब्लम सॉल्व पुलिस खड़ी है, कुछ पता नहीं, कुछ बोली नहीं रही है, जाम हटवा नहीं रही है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है लेकिन उसके बावजूद अभी भी ना तो प्रशासन की ओर से कोई प्रतिनिधि ऐसा पहुंचा है किसानों के बीच में जो बातचीत कर सके और कोई ऐसा हल या आश्वासन दे सके जिससे कि ये किसान मान जाए और ये जाम खुल जाए। किसानों की समस्याएं अलग हैं लेकिन दूसरे जो लोग हैं उनकी समस्याएं भी कुछ कम नहीं है। मुजफ्फरनगर के भौरा कला थाना इलाके के कस्बा रिसौली में रविवार रात को एक शादी समारोह में हार्श फायरिंग के दौरान गोली लगने से विवाह समारोह में काम कर रही एक महिला की मौत हो गई थी। हार्श फायरिंग कर रहा युवक गोली लगते ही वहां से फरार हो गया था। शादी में आए लोगों द्वारा महिला को डॉक्टर के यहाँ ले जाया गया जहां महिला पूनम को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। भौरा कला पुलिस ने चंद घंटों में ही हार्श फायरिंग के आरोपी को तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने जिला मुख्यालय पर पहुंचकर मृतक महिला के साथ रेप के बाद हत्या का भी आरोप लगाया था, जिसके बाद एसपी सिटी ने मामले की गहनता से जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरा मामला सामने आ गया। वहीं मृतक महिला का ससुर दर्जनों लोगों के साथ में देर शाम एसएसपी ऑफिस पहुंचा जहां उसने महिला की मौत के कारण हुई हर्ष फायरिंग को ही करार दिया और कल हुए हंगामे से अनजाने में होना बताया। वहीं एसपी सिटी सतपाल अंतिल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रविवार में एक वैवाहिक कार्यक्रम में हर्ष फायरिंग में मौत हो गई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भी रवाना किया गया। घटना में ये मामला आया था जी, वह काम करने जाती थी, वहाँ शादी थी, तो शादी करने के दौरान 3-4 दिन से उनके काम पर जा रही थी, तो काम में जैसे वहाँ शादी थी, गिरमा लग रही थी, तो वहाँ से किसी बच्चे से दारू फारू भी रखे हुए तो वहाँ गोली चल गई। एक अफवाह चला रखी कल से कि ना बलात्कार होगा, ऐसी कोई घटना नहीं है। हम इसके हम गुआ है, हम मौके पर थे, जो पीएम हुआ सब कुछ आस में रात दिन हमें गेल मरा जी, ऐसी कोई घटना नहीं, सब कुछ जो किसी ने कराया कल पता नहीं भगा कर लिया कोई ने, तो ऐसी कोई घटना नहीं है, ना कोई बलात्कार की ना कहेंगे। देखिए ये दोनों पक्ष के लोग, जिनकी महिला थी और गांव के बहुत सारे लोग आए थे, इनके द्वारा ये बताया गया कि हम सब लोग वहां पे मौजूद थे और इसमें इस प्रकार से रेप की किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। वहां पर एक हर्ष फायरिंग के दौरान एक उस महिला को गोली लगी थी और जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई, और जो परिवार के लोग थे वहाँ पे लोग मौजूद थे, उनके द्वारा उस महिला को हॉस्पिटल लेके जाया गया, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक्सपायर कर गई। और इस संबंध में किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जब लोगों से और गांव के जितने भी वहाँ पे आई विटनेस थे उन सब लोगों ने इस प्रकार की बातें कही, तो परिवार ने भी पूरी तरह से इस चीज़ को माना है और उन्होंने यहाँ पे आके, जो महिला का परिवार था, उन्होंने यहाँ पे आके इस चीज़ की पुष्टि। ग्रेटर नोएडा से खबर है, जहां नाबालिग के साथ में दुष्कर्म कर बनाया अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मांगे 6 लाख रुपए। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, वहीं पीड़िता को होटल में ले जाकर रेप करने का भी आरोप लगा। थाना नॉलेज पार्क इलाके की वारदात सामने आई है।
देखिए, कल थाना नॉलेज पार्क पे एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। उसमें वादिया ने एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है और साथ ही साथ वादिया के घर के पास रहने वाले हस्बैंड वाइफ हैं उनके ऊपर भी कुछ आरोप लगाए हैं। हम लोगों ने जो तथ्य FIR में है उसके हिसाब से FIR दर्ज किया है और जो तथ्य हैं उसकी छानबीन की। प्रथम दृष्टया जो आरोप लगाए गए हैं वो सही प्रतीत होते हैं। हम लोगों ने तीनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और इसमें कुछ वीडियो क्लिप, कुछ ऑडियो, कुछ फोटोज़ इस पूरे प्रकरण में हैं, वो सारे हमारे पास आ गए हैं। हम उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और उसके हिसाब से। ललित पंडित अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र के दुगलपुर गांव का मामला है, जहां पर एक नाबालिग लड़की को उसके एक साथी के द्वारा ओयो होटल में ले जाया जाता है, जहां पर उसके साथ में रेप किया जाता है और उसके बाद में उसकी जो वीडियो बनाई जाती है वो आरोपी के साथियों के द्वारा लड़की के परिवार को दिखा करके लड़की को ब्लैकमेल करने का प्रयास किया जाता है और उससे पैसे की मांग की जाती है। जब जो पीड़िता है, पीड़िता के द्वारा पुलिस को कंप्लेंट दी जाती है, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है जिसने उसके साथ में रेप किया है उसके साथ ही जिनके द्वारा जो वीडियो दिखा करके किया जा रहा था तीनों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया जा रहा है। जी चलिए, अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बरागा से जाघर में पिता पुत्र का शव मिलने से सनसनी का माहौल, पड़ोसियों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी। दोनों शव कब्जे में लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट चुकी है। पिता पुत्र की मौत की वजह साफ नहीं हो पाई। आगरा के नाई की मंडी क्षेत्र का पूरा मसला है। तो घर में पिता पुत्र का शव मिलने से सनसनी का माहौल। आगरा से बड़ी खबर है, पड़ोसियों ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी है और पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक मामले का खुलासा नहीं हो पाया है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में पिता पुत्र की मौत हुई है और ये तस्वीरें आखिरकार कैसे सामने आई। मौत की वजह अभी तक साफ नहीं हो पा रही। आगरा के नाई की मंडी इलाके का एक पूरा मामला है। क्या दोनों की हत्या की गई है या फिर कुछ और ही कहानी है इस पूरे मौत के पीछे, अभी तक ये मामला सामने नहीं आ पाया है, जिसकी जांच पड़ताल में अब पुलिस प्रशासन की टीम लगातार जुटी हुई है। इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।